अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ इबादुल्ला और आप देख रहे हैं रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज कुरान करीम की एक सूरत मुबारका पढ़ के सुनाने वाला हूँ। अगर किसी शख्स के घर में जिन्नात खबीस का असर है या फिर किसी शख्स पर जिन्नात खबीस का असर होने की वजह से तरह तरह की परेशानियां, मुसीबतों की कोई हद नहीं है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो दोस्तों इस सूरत मुबारका को सिर्फ आपको सुनना है। सुनने से ही सारा झंझट खत्म हो जाएगा, सारा मसला खत्म हो जाएगा और मरीज बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा, घर से जिन्नात खबीस भाग जाएगा। वाकई दोस्तों, अगर आपके घर में जिन्नात खबीस का असर है जिनके वजह से आप परेशान हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। दोस्तों, बहुत सारे हजरात हमारे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं कि हजरत हम अमल नहीं कर सकते हैं, कोई वजीफा नहीं कर सकते हैं, बेगैर वजीफा किए, बेगैर पढ़ाई किए फ़ायदा दिलाने वाला कोई सूरत मुबारका हो तो बता दो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर यह अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक देखें। जिनके घर में जिन्नात खबीस का असर है, जिनके दुकान में जिन्नात खबीस भूत प्रेत का असर है या फिर जिनके कारोबार में जिन्नात खबीस भूत प्रेत का असर है, तो उनके घर, उनके मकान के कारोबार में इस सूरत मुबारका को प्ले कर दिया करें और बा आवाज़ बुलंद बजा दिया करें। इसकी आवाज जो है चारों तरफ पहुंचे, यानी कि इस सूरत मुबारका की आवाज जो है जहां तक पहुंचेगी वहां तक शैतान दाखिल नहीं हो पाएगा, जिन्नात खबीस वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर किसी शख्स पर जिन्नात खबीस भूत प्रेत का असर है तो उसके कान में इस सूरत मुबारका को सुना दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे तो और बेहतर है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे इस सूरत मुबारका को क्या करें, मोबाइल पे जो है प्ले कर दिया करें। तो दोस्तों, आइए वो सूरत मुबारका कौन सी है, कब सुनना है, कैसे सुनना है, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, इस सूरह मुबारका का नाम है सूरह आला और ये जो है कुरान करीम के 30वां पारे में है और ये 19 आयत में है। सबसे पहले आपको अगर आप सुनेंगे तो क्या करें, आप पहले कम से कम एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, पढ़कर आप इस सूरत मुबारका को सुन लीजिए। अगर पढ़ने वाला है तो बेहतर है उन्हीं से पढ़वाइए कि जहां पर आपको एहसास हो रहा है कि यहां पर जिन्नात खबीस भूत प्रेत का असर हो सकता है, उसी जगह पे आप इस सूरत मुबारका को पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं और सुन सकते हैं। पढ़ने, पढ़वाने, सुनने से बहुत बहुत फायदा आपको मिलेगा और जिन्नात खबीस का असर खत्म हो जाएगा, जिन्नात खबीस भाग जाएगा, शैतान जो है तरह तरह के वसवासा देने से अल्लाह ताला आपको हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों आप सुन लीजिए यह सूरह मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही है, मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।